बटने का ये है कि जिस तरह से बहुत से किसान संगठन बढ़ गए और उसका नतीजा ये है कि जमीन अधिग्रहण हो रही, उसके भाव नहीं बढ़ रहे, सर्कुलेट नहीं बढ़ रहे, किसान आंदोलन करता है तो पुलिस उनको जेलों में बंद कर रही, तो एक दमनकारी नीति सरकार की चली हुई है। तो हम बट रहे हैं तो लूट रहे हैं, ये उसका सीधा अर्थ हमारा है। नोएडा में दोबारा से प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, क्या कहेंगे? उसमें बात करेंगे अधिकारियों से। प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण का, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है उसका, जमीनों का मुआवजे का सवाल वहाँ पे है। जिन किसानों की जमीन और घर बने हुए हैं वहाँ पे, वो अधिग्रहण में सरकार ने ले रखे, वो उनका इशू है। तो ये कई इशू वहाँ के लोकल इशू है गौतम बुद्ध नगर के। हाल ही में संभल में एक कांड हुआ था, उसमें जो है तरह तरह की राजनीति भी सामने आई, अभी आएगी, अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं, क्योंकि राजा की जो पॉलिसी है उसी पे ही पूरा देश चल रहा है। लाभ किसो किसका होगा, जिसका जो काम है वो अपने काम पे करता रहेगा, जिसका काम संभल जैसे हालात पैदा होंगे तो सब अपना अपने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। हमारा इशू गांव गरीब आदिवासी बेरोजगारी, ये हमारे इशू है, हम उस पर अपना काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद टिके साहब आंदोलन जीवी के बाद अब डीएनए की बात की जाने लगी, और भी बहुत बात होगी जिसके जो समझ में आ रहा उस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं जिससे समाज बटे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे वैसे तो भाई, अगर उस तरह के बयान एक उच्च पद पर रहते हुए जिनके सानिध्य में सब लोग हैं, अगर बड़े लोग इस तरह का वो करेंगे तो इसका असर बाहर के देशों में जो हमारे भारत से लोग रह रहे हैं उस पर पड़ेगा, और इससे भारत की छवि खराब होगी।